10 साल शादी में हमारा आदमी मारा थे, सतावा थे, गरिया हुआ। कर 4 ठे मेरे बच्चा है, 4 ठे बच्चा है, ये भी लापरवाही से हमारे एक बच्चा हमारे खत्म है। दगा देली हमारे राशन पानी मांगता तो के मारा थन पीटा थन कतन भाग जो। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 सहित महिला हिंसा के तमाम कानून लागू होने के बावजूद भी हमारे समाज की अधिकतर महिलाएं इससे अनभिज्ञ हैं, जिससे वो हिंसा का शिकार होने के बावजूद भी कानून का सहारा नहीं ले पाती हैं। एक बच्चा खत्म हो गया, अपने पति को सोचते हैं कि हमारे पति हमारे मुँह अपने भौजी के चक्कर में मरी हन घर यही केवल अपने भौजी के पास है। हम कितना दिन इनके सबके लेके हम ढो आनर बेबर है, आग नहीं पारता है, खाना नहीं बनाता है। जब उनके भौजी के नाम छुड़ावे के नाम ले तो हमें मरियन करियैया सतैया, कहीं तू भले छूट जा हमार भौजाई कभो न छूटी है। चचठ लड़का भइलन तो कभो साथे नहीं गईले, हम यहाँ से जाई तो अपने बिटिया के लेके भागी, न सास जाए न ससुर जाए, देवराना जेठाना केव न जाए। सास ससुर से कहती, सास ससुर हमार बात मानत नहीं, कथन बड़े भौजाई से खेल तक खा तक खेले खाए तक तोरे घर जो तो रहा नहीं तो मत रहा। कब तलक हम माए बाप जी ही हमें देखी हैं, हम अब तलक सोचे थे भाई हमारा आदमी सही हो जाए तो हम अपने घर ही रही अपने गांव में रही। जिस समस्या पर पिछले 6 माह पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, वीडियो को बनाने के बाद उस वीडियो के माध्यम से समुदाय को संगठित व जागरूक कर मैं इस समस्या पर बदलाव ला पाई हूँ। वीडियो बनाने से और हम लोगों ने जो प्लान किया था कि हम महिला थाना जाएंगे और वहाँ महिला थाना में हम लोगों ने फोन किया तो उसी के डर से वो यहाँ आए। हाँ, वही के डर से आई भाई, कल कहनो शासन लगल है वहाँ से आयल है नहीं का आवत। फिर आप लोगों के माध्यम से जब ये पता चला कि ऐसा मामला है तो जनपद भदोही के ज्ञानपुर थाने पर इसकी सूचना हम लोगों ने आपके माध्यम से दिया गया और फिर उसको जो है उसके पति को उस एप्लीकेशन उस प्रार्थना पत्र के जरिए उसको पकड़ा गया और फिर उसको दबाव बना करके समझाया गया। अंत में वो आज बात को समझा और वो जाना कि हम ये गलती कर रहे हैं और अपनी गलती को वापस लिया और उस महिला के साथ जो अत्याचार घरेलू हिंसा हो रही थी आज वो बंद हो गई। दीदी हमारे जब हमारे गांव में आईलिन है तब हमारे समस्या देख के एक वीडियो बनाईलिन है, एक वीडियो बनाईलिन है, तब वह दुदैया मीटिंग बैठाईलिन है, दुदैया मीटिंग बैठा के एकर वीडियो बनाईलिन है, धमकी चमकी दे के हमारे आदमी के था लिबलेस था मतलब केस कराए हैं। दीदी केस कराए हैं हमारे आदमी के, कुछ दबाव दीन है हमारा आदमी गिड़गिड़ान आन विदा करे के हमारे माई के घोड़े गिरन हमारे घोड़े गिरन गिड़गिड़ान करन तो हमारे माई विदा करिन है। तो इसके लिए मैं आपके इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग महिला हिंसा एवं महिला शोषण को लेकर या महिला प्रताड़ना को लेकर के आप लोग आगे बढ़े हैं। कई महिलाओं की जिंदगी जो है खतरे में थी, आप लोगों ने उनको अच्छे से न्याय दिलाया, तो हम चाह रहे हैं कि आप लोग भविष्य में ऐसा काम करें कि महिला हिंसा और महिला शोषण एवं महिला प्रताड़ना को आगे न हो और इसमें आप लोग मदद कर रहे हैं तो मैं आप लोगों का आभारी हूँ और आप लोग ऐसी महिलाओं के हक के लिए हमेशा खड़े रहें और उनके हक अधिकार दिलाएं। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने कैमरे के माध्यम से ऐसे ही हक वंचित समुदाय की अनसुनी समस्याओं को उठाती रहूं और उस पर बदलाव लाती रहूं। मैं शबनम, जनपद वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, इंडिया, अनहट के लिए।